कम ही मौके ऐसे मिलते हैं जब दो बाकमाल कलाकारों के साथ बैठने का मौका मिलता है। आज ये मौका हमें मिला। राम नागराज साहब 35-40 बरस से संगीत की दुनिया में उतरे हुए और काफी दूर तक उतरे हुए, काफी दूर तक। और इधर गोविंद कुरनूर, जाना पहचाना नाम, और गजब भी गाते हैं, पुराने गीत भी गाते हैं। तो आज हमने ये सोचा कि एक त्रिवेणी बहा देते हैं और इस रूप में बहा देते हैं, मैं उस दौर का इंसान जो था कितने समय राम साहब बीच में इन दोनों दौर को जोड़ते हुए, और यंगिस्तान की आवाज गोविंद कुरनूर। तो राम साहब शुरू आप कीजिए अपनी पसंद की गजल से। आज तारीख है 24 अप्रैल 2018 बेंगलोर, गोविंद साहब का शाना। क्या बात है क्यों दिल कहीं
वो सितम करते हैं, वो सितम करते हैं, वो सितम करते हैं, या हम कर्म करते हैं, वो सितम करते हैं, या हम पे कर्म करते हैं। इस नजर से कभी हमने उन्हें देखा मैं 1970-71 में गाता था, सामने सुनने वाले मौजूद होते थे, आंखों से आंसू बह रहे होते थे, और मैं कहा करता था, एक चेहरे की उदासी से निकल आए, एक चेहरे की उदासी से निकल आए आंसू, दिल का आलम आलम तो अभी आपने देखा ही नहीं, मुझे कोई तमन्ना नहीं, अब ये त्रिवेणी है और त्रिवेणी में अब मैं चाहता हूँ कि गोविंद साहब अपनी पसंद की गजल गाएं। जाहिर है उनकी अपनी धुन है और मेरा ख्याल है कि ये गजल पिछले दिनों मैंने लिखी थी गोविंद साहब के लिए खास तौर से, और हम यहीं बैठे हुए इसी जगह हमने उसको रिकॉर्ड भी किया। आज गोविंद साहब देखते हैं कि इसमें क्या गाना चाह रहे हैं। एक दौर को याद कर रहे हैं, दौर पुरानी याद
ये एक खूबसूरत दौर को हमने रिवाइव किया और राम नाग राजस्थान महानतम इस वक्त इधर जो समाज कर रखा है और कल की गूंजती हुई आवाज़ जो आ गई है, हम कर क्या रहे हैं, हम सिर्फ उस दौर को रिवाइव कर रहे हैं, वापस ला रहे हैं और आगे भी कोशिश रहेगी कि इसी तरह से कुछ धुने बने कुछ तो और हम महकाएँ। और आज जैसे मैंने कहा कि आज 24 अप्रैल है, 2018 का बरस है, तो शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। और ऐसे ही फिर आगे कुछ और महफिलें जमाएंगे, वीडियोग्राफी करेंगे बनीता जी और सतीश साहब, और उनकी पजीराई है जो इस तरह उनके आशियाने पे बैठ के हम एक दौर को याद करें। थैंक यू, शुक्रिया।